नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के सुर्खियों पर। वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय गंगानगर दौरा, अनेक विकास कार्यों की हुई घोषणा, वहीं कई अधिकारियों पर गिरी गाज। कर्नाटक में बनाएगी भाजपा सरकार, अमित शाह ने सिद्धरमैया सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आरएसएस के हत्यारों को पताल से भी खोज निकालने का किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत फिर बरसे वसुंधरा पर, भाजपा सरकार को दमनकारी और हठधर्मी बताया। जनता चुनाव में देगी वसुंधरा सरकार को जवाब। अप्रैल से होगा राजस्थान में टोल फ्री, निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल, वसुंधरा सरकार ने की थी घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन के लिए गंगानगर के दौरे पर हैं। शुक्रवार को राजे ने कार्यकर्ताओं से जन संवाद किया। इस दौरान विकास कार्यों की लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों प्रदेश में लगातार दौरों पर हैं। 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजे ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर आम जन से मुलाकात कर रही हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जा रहा है। इन दिनों राजे गंगानगर में 3 दिन के दौरों पर हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इसी दौरान यहाँ लगाई गई विकास कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर राजे ने कहा कि समस्याओं को जानने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। देखिए, ये मैंने आपको मालूम है, ये पहले भी हो चुका है, नई बात नहीं है, परंतु कोशिश हमारी ये है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का मौका। और बूथ का नाम इसलिए मैं लेती हूँ क्योंकि वहाँ के अगर 10 आदमी भी आ जाते हैं तो बूथ तक बात पहुँचती भी है और बूथ की बात हम तक पहुँचती है। बेसिक आइडिया ये है कि देयर शुड बी अ कनेक्शन मुख्यमंत्री से बूथ तक। एंड साथ में काम नहीं हुए हैं तो कारण क्या है, और अगर उनको हो सकते हैं जल्दी करा सकते हैं तो उसको वहीं के वहीं तय करके और कराने का काम जी। मैं समझती हूँ कि इसका फायदा लोगों को है क्योंकि उनको लगता है कि कोई केयर करता है। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री गंगानगर जिले के 3 दिवसीय दौरे में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया। राजे के निर्देश पर श्री गंगानगर जिला परिषद के CEO विश्राम मीणा, राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर प्रेमा राम परमार एवं जिला शिक्षा अधिकारी तेज सिंह को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। कर्नाटक में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की लगातार हुई हत्याओं पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में एक प्रेस वार्ता में कहा, सिद्धरमैया सरकार के जाने का समय आ चुका है। अब भाजपा शासन काल में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं के हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां लगातार दौरों पर है। शुक्रवार शाह ने सिद्धरमैया सरकार पर जमकर आरोप लगाए। शाह ने कर्नाटक में हुई आरएसएस और भाजपा से जुड़े करीब 24 कार्यकर्ताओं की हत्या पर आक्रोश जताया और कहा कि सिद्धरमैया सरकार के जाने का समय आ चुका है, अब कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनेगी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कि सिद्धरमैया सरकार का समय अब समाप्त हो चुका है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है ये सभी हत्यारों को पाताल में से भी ढूंढकर जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा और उनको कठोर से कठोर दंड मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा सरकार काम करेगी। गौरतलब है कि कर्नाटक में मई 2018 में विधानसभा के चुनाव है, फिलहाल वहां कांग्रेस की सरकार है। अमित शाह अब कर्नाटक में लगातार दौरे कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि उपचुनाव में भारी हार के बाद अब मुख्यमंत्री की नींद खुली है। जहां जहां भाजपा के मंत्री और विधायक जा रहे हैं, हर जगह उनके ही कार्यकर्ताओं का उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। अब आने वाले चुनाव में आम जन भी भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा। 2018 में राजस्थान में चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार 4 साल के कार्यकाल को भाजपा इसे विकास के 4 साल के रूप में पेश कर रही है। इसी सिलसिले में वसुंधरा राजे लगातार प्रदेश के दौरों पर हैं, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने वसुंधरा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि दमनकारी और भ्रष्ट सरकार है,
लोकतंत्र में अपनी मांगों पर धरना प्रदर्शन करना आम आदमी का अधिकार है, लेकिन अनेकों बार ऐसे मौकों पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। 4 साल बाद आज मुख्यमंत्री दौरे कर रही हैं, लेकिन अब जनता में आक्रोश है। सब जगह मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कर्मचारी हो, वो धरना देगा, प्रदर्शन करेगा। आप डीजीपी दफ्तर के बाहर उनके खिलाफ में पुलिस को कहते हैं लाठीचार्ज करवाओगे। क्या बात, लाठीचार्ज हो चुका डीजीपी दफ्तर के बाहर, इस घर को छोड़ा इन्होंने। मुख्यमंत्री जी का जो सोच अहम का घमंड का है, अभी 3 चुनाव भारी बहुमत से हारने के बावजूद भी वो घमंड अभी तक गया नहीं है। जनता में जितना ऐसा व्यवहार रहेगा उनका, उतना आक्रोश बढ़ता जाएगा। आज उनके मंत्री की स्थिति हो गई है कि वो जाके जो उनको कहा गया आप जाके मीटिंगें करो, विधायकों को कहा गया आप जाकर 10 दिन के दौरे करो क्षेत्र में, वो क्या दौरे करने लायक है? उनको एप्लीकेशन मिलती है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है? क्या वो बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में जो 15-15 दिन लेके गए थे मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल को पूरे भर भर के एप्लीकेशन आई, उनकी क्या स्थिति बनी? इसलिए आज जब राज जा रहा है, आप दौरे करने निकल पड़े हो, आपको मालूम पड़ेगा जनता का मूड क्या है। कल कोटा में भी ऐसा ही हुआ, कटारिया जी मंच पर थे और एक कटारिया जी हो, चाहे वो हमारे बिजली मंत्री जी गए कल झालोर के अंदर, वहाँ पे उनके यूज का सामना करना पड़ा मीटिंग, मगर ये उठना पड़ा उनको कार्यकर्ताओं के गुस्से के कारण से। जहाँ जहाँ वो जाएंगे ऐसी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, विधायकों की सुनी नहीं है, हालात बड़े गंभीर बने 4 साल तक। अब जाके इनकी नींद खुली है, जब 3 चुनाव हार गए, 17 सेगमेंट में हार गए, तब जाके आगे के लिए क्या हो गया, वो भी इनके हाईकमान के आदेश से ही सब हो रहा है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र में आम जन को एक बड़ी राहत देते हुए राजस्थान के सभी 143 स्टेट टोल प्लाजा पर निजी वाहनों को फ्री किए जाने का ऐलान किया था। अब उस घोषणा का सरकार नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 अप्रैल से निजी वाहनों पर टोल फ्री की सुविधा मिलने लगेगी। प्रदेश में स्टेट हाईवे को 4,500 किलोमीटर सड़कों पर अब निजी वाहनों को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की घोषणा के बाद 31 मार्च को आधी रात 12 बजे के बाद यह नोटिफिकेशन लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में 4638 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है, जो 56 अलग अलग सड़क मार्गों में बंटा हुआ है। इन सभी मार्ग पर 143 टोल प्लाजा है, जहां पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निजी वाहनों को टोल फ्री करने की घोषणा की है, इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीब 7,500 किलोमीटर सड़कों पर 58 टोल प्लाजा है, इन पर टोल व्यवस्था लागू रहेगी। गौरतलब है कि करीब 2 माह पहले की गई इस घोषणा के बाद यह स्थिति साफ नहीं हो पाई थी कि टोल फ्री कब से होगा। टोल प्लाजा पर रोजाना आने जाने वाले लोग टोल कर्मियों से टोल फ्री को लेकर उलझते हुए नजर आ रहे थे। आखिर कुछ समय बाद साफ हो पाया कि 1 अप्रैल से टोल फ्री रहेगा। देखने वाली बात है कि चुनावी साल के चलते वसुंधरा सरकार द्वारा आम जन को राहत देने वाली घोषणा खाली चुनावी तो नहीं रहेगी। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। अब भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी या दोषी अधिकारियों को देश छोड़कर भागने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि भ्रष्टाचार के दोषी या आरोपी किसी भी विभाग के अधिकारी को पासपोर्ट नहीं जारी किए जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले अधिकारियों के लिए सतर्कता विभाग की मंजूरी के हासिल करने के लिए अब प्रावधान कठोर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई मामला दर्ज हुआ है, या फिर उसके खिलाफ इस मामले में कोई जांच चल रही है, अथवा वो भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में दोषी करार दिया है, तो उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नियमों के मुताबिक ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सतर्कता मंजूरी नहीं मिलेगी, जिसके आधार पर पासपोर्ट जारी होता है। खबरों के मुताबिक कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी ऐसे अधिकारी को मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात या किसी पारिवारिक कारणों में पासपोर्ट जारी करने को लेकर संबंधी प्राधिकरण फैसला ले सकते हैं। नियमों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों को अब जांच पूरी होने तक या मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जब तक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के रोकथाम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं होता, पासपोर्ट नहीं मिलेगा।
नए नियम के मुताबिक किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई निजी शिकायत या FIR दर्ज किया जाता है तो सतर्कता मंजूरी को रोका नहीं जा सकता। पासपोर्ट ऑफिस के पास FIR के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। सिविल सेवा के अधिकारियों को भी पासपोर्ट हासिल करने के लिए सतर्कता विभाग की अनुमति लेनी होगी। महावीर जयंती के मौके पर अलवर के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत एक शराब के ठेके पर ड्राई डे के दिन हमला कर सो रहे एक कर्मचारी को लहूलुहान कर दिया गया और करीब 2 लाख रुपए की शराब अज्ञात बदमाश लूट कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जमालपुर पंचायत के अंग्रेजी देशी शराब के ठेके पर ताले तोड़कर करीब 2 लाख से अधिक रुपए की शराब अज्ञात चोर लूट कर ले गए। वहीं चौकीदार अजय राम के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके दोनों पैर तोड़कर लहूलुहान स्थिति में छोड़कर भाग निकले। घायल चौकीदार के चिल्लाने पर पास के ही खेत में सिंचाई कर रहे किसान के आने पर उसने सूचना दी। उसके बाद मालाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सेल्समैन वीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गया। महावीर जयंती के अवकाश होने के कारण ड्राई डे था, इस वजह से ठेकेदार और अन्य कर्मी अपने अपने गांव गए हुए थे। लूट की सूचना पर मालाखेड़ा थाना अधिकारी महेश तिवारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस बाबत मालाखेड़ा थाने में ठेके के सेल्समैन वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि रात करीब 3 बजे अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें वहां सो रहे कर्मचारी के विरोध करने पर उसे भी घायल कर दिया गया। वहीं मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड के मार्फत अपराधियों का सुराग लगाने में पुलिस जुटी है। सर, जैसे डॉग को हमने सुंघाया तो डॉग में एक तो अपराधियों को से आर्टिकल नहीं मिला, एक स्वापी मिली थी, स्वापी को सुंघा के हमने छोड़ा था डॉग को, तो जहाँ जहाँ वो घूमे हैं अपराधी वहाँ वहाँ हमने डॉग को घुमाया था और जहाँ से वो गाड़ी में बैठ के चले गए उसके बाद में डॉग ने नहीं सुंघा। और सुबह ज़्यादा पब्लिक घूम गई थी और धूप ज़्यादा हो गई थी, पब्लिक घूमने से और ज़्यादा धूप होने से अपराधियों की सेंट नहीं मिली, तो डॉग फिर कम चला और इतना सूंघ के नहीं चला, गाड़ी जहाँ खड़ी थी जहाँ जाके रुक गया। नीमराना में 2 महापुर एक सोसाइटी में दोस्तों के बीच चल रही शराब पार्टी में कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि आपस में गोलियां तक चल गई। गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई जिसमें मुख्य आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मामला नीमराना स्थित अनंतराज सोसाइटी का है, जहाँ 5 दोस्त शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, मामला इतना बढ़ गया कि जिसमें गोलियां तक चल गई। इसमें दीपक कुमावत की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसमें अपराधियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं वांछित चल रहे 3 अपराधियों में से एक शम्मी सरदार निवासी नारनौल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि घटना 31 जनवरी की है, जब अनंतराज सोसाइटी में ये लोग शराब पार्टी कर रहे थे, जहां किसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ जिसमें गोली लगने से दीपक कुमावत की मौत हो गई थी। इस मामले में वांछित अपराधी दीपक यादव मोहित और शम्मी सरदार फरार चल रहे थे, उनमें से शम्मी को नारनौल से गिरफ्तार किया गया है। ये 31 जनवरी को रात को यहाँ अनंतराज सोसाइटी है, उसमें फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति दीपक कुमार की डेथ हो गई थी। उस समय हमने एक मुख्य अभियुक्त जो था मोंटी, उसको अरेस्ट कर लिया था जिसने फायरिंग की थी। उसके अलावा 3 अभियुक्त और वांटेड थे जो उस दिन से घटना के टाइम से ही फरार चल रहे थे। उन 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त शम्मी सरदार निवासी नारनौल है, उसको कल हमने नारनौल में दबिश देकर अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करके उसको तीसरी मांड में प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद में रिकवरी की प्रयास हम करेंगे और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी के भी प्रयास करेंगे। प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए इस बार गर्मी के मौसम में आम जन को पानी के लिए जूझना पड़ सकता है। जालौर के आहोर में भी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने नर्मदा नहर परियोजना की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जालौर के आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने आहोर क्षेत्रवासियों के लिए गर्मी से पेयजल की समस्या को देखते हुए आज नर्मदा नहर परियोजना का निरीक्षण कर जायजा लिया। विधायक के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर BL कोठारी, नर्मदा नहर परियोजना व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी साथ रहे। विधायक ने अधिकारियों से नर्मदा नहर से लोगों को पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ली। अधिकारियों ने विधायक को बताया कि बारिश के मौसम में अतिवृष्टि और बाढ़ आने के चलते नर्मदा नहर की मुख्य कैनाल जगह जगह से टूट जाने के कारण नर्मदा नहर का पानी बंद करना पड़ा था। वहीं अब नर्मदा नहर के मुख्य कैनाल में साइफन बनाकर टूटी नहर की मरम्मत करवाने सहित बारिश के पानी की निकासी सुनिश्चित कर 15 अप्रैल तक लोगों को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
मैं और कलेक्टर साहब ने और मैंने जो अधिकारी को मीटिंग लेकर कहा है कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा गति देते दे सकते हैं हम दें, जहां भी आपका ऊपर अगर आपको कोई तकलीफ पड़ती है हम मंत्री महोदय से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस काम को तुरंत गति देंगे। जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह 2018 के अवसर पर राजस्थान उत्सव के अंतर्गत आज यहां अल्बर्ट हॉल में आयोजित मेगा इवनिंग कंसर्ट में शंकर एहसान लॉय ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां अल्बर्ट हॉल परिसर में देर रात तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में शंकर एहसान लॉय ने करीब 20 से अधिक लोकप्रिय फिल्मी गाने सुनाकर समारोह में समा बांध दिया। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया अल्बर्ट हॉल का नजारा देखते ही बनता था। कई दर्शक इस अनुपम छटा को एक यादगार कार्यक्रम बतौर मोबाइल और कैमरों में कैद करते हुए नजर आए। समारोह में मुख्य अतिथि पर्यटन राज्य मंत्री दीपक कौर थी। समारोह के अंत में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन सुबोध अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन स्वाति शर्मा ने किया। समारोह में अनेक विशिष्टजन, गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय गंगानगर दौरा, अनेक विकास कार्यों की हुई घोषणा, वहीं कई अधिकारियों पर गिरी गाज। कर्नाटक में बनाएगी भाजपा सरकार, अमित शाह ने सिद्धरमैया सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आरएसएस के हत्यारों को पताल से भी खोज निकालने का किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत फिर बरसे वसुंधरा पर, भाजपा सरकार को दमनकारी और हठधर्मी बताया, जनता चुनाव में देगी वसुंधरा सरकार को जवाब। एक अप्रैल से होगा राजस्थान में टोल फ्री, निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल, वसुंधरा सरकार ने की थी घोषणा। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।